मैंने बोला पीस के रख लिया है मिक्सर में। अरे है मसाला, धनिया लहसुन अदरक जीरा मसाला आलू है, अरे गरम मसाला है। मैं डालूँगी तेल, इसमें बहुत सारे तेल पड़ते हैं तभी अच्छा होता है निमोना, जितना डालो उतना अच्छा लगता है। देखिए मैं चूल्हे बना रही हूँ, आप सब देख सकते हो। मैं डाल रही हूँ निमोना, इसको खूब लाल रखती हूँ, भुजा जाता है और खूब लाल हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इसको ऐसे देखो ऐसा है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसे ऐसे भूजा जाता है। ऐसे 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 दिखता है ना, ऐसे लाल का एकदम हो जाएगा। अब डालेंगे हम मसाला, देखो आप सबको दिख रहा होगा लाल, अच्छे से हो गया है। अब मैं मसाला डालूंगी, देखिए आप सब मैंने एकदम लाल का भूज लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें मसाला, मैंने इसमें लहसुन धनिया अदरक मिर्चा जीरा टमाटर सब पीस लिया है। हम इसमें डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। डालो, ये देखो मैंने मसाला आलू सब इसमें डाल लिया है, सब हो गया। पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सूख सूख डाल दिया ना, हाँ सूखा रहता है। बस थोड़ा एक गिलास और डाल दो पकने के लिए, ज़्यादा सूखा हो जाएगा। अब आप इसको हम ढक देंगे, पकने के बाद मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी। आप सबको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे लाइक करना कमेंट करना। आप सब कैसे बनाते हो प्लीज़ बताना।